हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग? सब बहुत बढ़िया दिख रहे हो, बहुत प्यारा दिख रहे हो मेरे को। और ये अपने साल का सबसे पहला वीडियो है। 2023 के अंदर अपन एंटर कर चुके हैं, आप सबके साथ में, आप सबके प्यार के सपोर्ट के साथ में। तो इसीलिए सबसे पहले इस वीडियो के, सबसे पहले इस साल की, सबसे पहले मैं आप सबसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ, वो है थैंक यू। थैंक यू फॉर बीइंग देयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर कॉन्टेंट रेगुलरली, थैंक यू फॉर कमेंटिंग, थैंक यू फॉर लाइकिंग, थैंक यू फॉर शेयरिंग। एंड आई एम लिटरली वेरी ग्रेटफुल आप सबके लिए। आप जो भी वहाँ पर देख रहे हो अभी, आप जो स्क्रीन पर देख रहे हो ना मुझे, थैंक यू सो मच यार। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बिकॉज दिस इज ऑल वॉट मैटर्स। इसके विपरीत मुझे कुछ नहीं चाहिए और इसके विपरीत मेरे लिए कुछ मैटर नहीं करता। मेन यही है, आपका प्यार। तो इसके साथ में अपना वीडियो शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हाउ यू ऑल, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द बुक्स अनबॉक्स। मैं हूँ लव कौशिक, आपका होस्ट और आपका दोस्त। आज का वीडियो क्या होने वाला है? As you guys know, I am gonna tell you my best reads of 2022. पिछले साल की मेरी फेवरेट बुक्स मैंने कौन सी पढ़ी, मुझे सबसे अच्छी बुक्स कौन सी लगी जो भी मैंने पढ़ी। पिछले साल बहुत कम रीडिंग थी बिकॉज ऑफ द सेम रीजन, मैं दिल्ली था, दिल्ली से अप डाउन कर रहा था। पिछले साल फेब में मैं दिल्ली चला गया था और दिसंबर में वापस आया हूँ। इस साल भी कहीं जाएंगे वो बाद में बताएंगे, ब्लॉगिंग चैनल में बताएंगे, तो ब्लॉगिंग चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। सो माई फर्स्ट बेस्ट रीड From 2022 was The Palace of Illusion from चित्रा बैनर्जी। और ये जो कॉपी है मेरी दोस्त की है, फिलहाल उसको भी नहीं पता कि ये मेरे पास, वो भूल गई दे करके मेरे को। वो दिल्ली की फ्रेंड है मेरी और मैं अजमेर आई हूँ, और वो मेरे वीडियो भी नहीं देख रही होगी इतना मैं टाइम चोर हूँ। बट आई टेल हर कि उसकी बुक मेरे पास में है, मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसे यार। उसे मुझे पढ़ने के लिए दी थी, नाउ इट्स माइन आई थिंक सो। और मैंने उसकी हालत भी थोड़ी सी ऐसे कर दी है, बिकॉज जब मैं इसको पढ़ रहा था मैं ट्रेन में था, और ट्रेन में बैग में रख दिया तो कुछ पानी वानी इसमें गिर गया। आई एम फीलिंग बैड फॉर दिस। इसकी जो राइटिंग स्टाइल थी दैट वॉज प्रीटी अमेजिंग। इसमें कुछ पॉइंट्स मुझे ठीक नहीं लगे थे जो कि मैंने इसके रिव्यू में बताया। इन सब के रिव्यू और इन सब के लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप चाहो तो वहाँ से खरीद लेना या फिर रिव्यू देख लेना। नाउ द सेकंड वन वॉज एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। यस, ये बुक मैंने पढ़ ली, बट इसका रिव्यू नहीं बनाया बिकॉज इसका रिव्यू मुझे थिंक लाइक अ मंक जैसे बनाने की कोशिश करनी थी वैसे, तो उसके लिए टाइम लगेगा। दैट्स वाई मैंने इस बुक को पढ़ चुका हूँ, एंड दिस वॉज वन ऑफ द बेस्ट सेल्फ हेल्प बुक्स आई हैव एवर रेड। आई नो कि ये बुक बहुत ज़्यादा ओवर रेटेड नहीं बोलूंगा, लेकिन बहुत रिनाउंड बुक है, बहुत लोग इसको पढ़ चुके हैं, और काफ़ी सक्सेसफुल लोग बोलते हैं कि एटॉमिक हैबिट्स पढ़ो। वो मुझे इसको पढ़ने के बाद पता चला कि वो लोग ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर हैबिट्स के बारे में इतना अच्छी तरीके से बताया हुआ है कि यू कैन ब्रेक एनी हैबिट एंड यू कैन मेक एनी हैबिट, एंड इवेंचुअली हैबिट्स होती हैं जो आपको सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल बनाती हैं। द थर्ड वन इज अटेंड टू दस बाय कुलीन हूवर। इस साल मेरी एक दोस्त के कहने पर मैंने कुलीन हूवर की राइटिंग स्टाइल ट्राई करी। दैट वॉज प्रीटी अमेजिंग, दैट वॉज प्रीटी कैचिंग, एंड मुझे काफ़ी अच्छी लगी कुलीन हूवर की राइटिंग स्टाइल। उनके इमोशंस एक्सप्रेस करने की जो कला है, जो शफा है, वो मुझे बहुत पसंद आई। दैट्स वाई आई जस्ट लव दिस बुक, इट एंड्स विद अस। इफ़ यू आर फाइंडिंग अ गुड बुक, रोमांटिक बुक, एंड यू आर 18+, देन यू कैन गिव इट अ शॉट, इट एंड्स विद अस। एंड द फोर्थ बुक जो कि इसी का सेकेंड पार्ट है, वो है इट स्टार्ट्स विद अस, जो कि मेरी लास्ट रीड थी आई थिंक 2022 की, एंड दैट वॉज ऑल्सो प्रीटी गुड। इवन मुझे इट स्टार्ट्स विद अस, इट एंड्स विद अस से ज़्यादा अच्छी लगी। बट इफ़ यू वॉन्ट टू रीड, फर्स्ट रीड इट एंड्स विद अस, देन रीड इट स्टार्ट्स विद अस। इनके नाम ऐसे हैं ना, एक तो टंग ट्विस्टर बन जाता है मेरे लिए, बिकॉज वो इसका सेकंड पार्ट है, सीक्वल है इसका। कुलीन हूवर इज प्रीटी गुड, एंड दैट्स वाई मेरे 2023 के TBR में कुलीन हूवर की एक बुक है, जिसके बारे में आपको इसके बाद आने वाले वीडियो में पता चलेगा कि मेरा 2022 का TBR क्या है। एंड आई नो कॉमेंट्स में गाली देने से पहले मैं आपको पहले ही सॉरी बोल दूँ कि हाँ, लास्ट ईयर मैंने आई थिंक एक भी बुक नहीं पढ़ी हिंदी में, सो सॉरी फॉर दिस। एंड इन दिस ईयर आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं ज़्यादा हिंदी बुक्स पढ़ूँ, ज़्यादा नहीं तो आई ट्राई टू रीड हिंदी बुक्स एटलीस्ट, बिकॉज हिंदी बुक्स आर गुड यार। ऐसा कुछ नहीं है कि हिंदी अच्छी नहीं होती, इंग्लिश अच्छी होती, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स टोटली अपॉन द राइटर, इट्स टोटली अपॉन द राइटिंग स्टाइल एक्चुअली। तो इस साल का मेरा TBR क्या है वो आपको आने वाले वीडियोज में पता चलेगा। आप मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताएंगे एक चीज़ जाने से पहले, कि आपको अपने चैनल पर कैसा कॉन्टेंट ज़्यादा पसंद है, बुक रिव्यूज, बुक अनबॉक्सिंग्स, या फिर सेल्फ हेल्प वीडियोज लाइक द लास्ट वन जो मैंने बनाया था, वो मेरा फेवरेट वीडियो है, मुझे काफ़ी मज़ा आया उसको बना करके। तो क्या आपको वैसे वीडियोस पसंद है? क्या मैं वैसे वीडियोस इस साल और डालना चाहिए मुझे? तो प्लीज़ इसका एक छोटा सा आंसर ज़रूर कमेंट में दे दीजिएगा। एंड अगर आपको ये बुक्स खरीदनी है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन चेक करो, लिंक है उस पर क्लिक करो और खरीद लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, एडियोज़।